हेलो गाइस, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं एक ही सर्विस एंड फूड इक्विपमेंट चैनल। और इस वीडियो में हमारे पास है कमर्शियल 3 रेंज बर्नर, जिसमें आपके दो इंडियन बर्नर है और एक चाइनीज बर्नर है, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एक ही सर्विस एंड फूड इक्विपमेंट चैनल को, और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशंस पर, अगर आप चाहते हैं कि जो भी हमारी वीडियो अपलोड हो और आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे तो प्लीज़ सब्सक्राइब बेल आइकन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेक ओवन, फ्राइड आइसक्रीम मशीन, पिज्ज़ा इक्विपमेंट, बेकरी इक्विपमेंट और प्लेंटी मिक्सर। अब स्टार्ट करते हैं जो हमारा कमर्शियल गैस बर्नर 3 रेंज है, जो दो इंडियन प्लस एक चाइनीज़ है, और आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं इन बर्नर्स को। आप देख सकते हैं मैंने पहले ही ऑटोमेटिकली इनको माचिस की हेल्प से इनके पिक्टल पाइप को ऑलरेडी कनेक्ट माचिस बॉक्स से यूज़ किया हुआ है, ताकि मेरे को अगेन माचिस यूज़ ना करनी पड़े। और आप देख सकते हैं ये एडजस्टेबल लेग्स हैं। अगर आपके फ्लोर में थोड़ा सा अप एंड डाउन है तो आप इन एडजस्टेबल लेग्स के नीचे जो एडजस्टर है उनको एडजस्ट करके अपने फ्लोर के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और सिंपली यहाँ पर आपके पास दो नोब्स हैं यहाँ पर हर एक ईच बर्नर के लिए, तो यहाँ से आप इस फंक्शन को यूज़ करके, एक बार माचिस यूज़ करके इसकी फ्लेम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये तीनों ही बर्नर में आपको मिलता है, जो कि फर्स्ट और सेकंड आपका इंडियन है और थर्ड वन चाइनीज़ है। जब आप माचिस को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर जो सेल्फ है, जो उसका वेस्टेज होता है, वो इन शेल्फों में आ जाता है। और जो आपका अंडर शेल्फ में जो सामान रखा होता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अंडर शेल्फ के साथ 3 रेंज बर्नर है, तो वहाँ पर जो भी आपका फूड स्टफ़ रखा होता है तो उसमें वो वेस्टेज ना जाए, इसलिए यहाँ पर ट्रे यूज़ की हुई है। तो आप सिंपली इस ट्रे को बाहर निकाल के अपना जो वेस्टेज है उसको बाहर फेंक सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स हैं इनका आपके ट्रे के साथ। और यहाँ पर आप सिंपली बर्नर को यूज़ कर सकते हैं विदाउट माचिस को यूज़ करके, और ये काफ़ी कम गैस यूज़ करता है आपका जो पिक्टल है, जो सेकंड फीचर। और आप अपने बर्नर की इंक्रीज़ कर सकते हैं फ्लेम को, और मैंने यहाँ पर 1/3 यूज़ किया हुआ है इसकी बर्नर की फ्लेम को। आप देख सकते हैं दोनों इंडियन स्टार्ट हो गए हैं, और इसके बाद ये थर्ड वन है चाइनीज़ का। तो आप देख सकते हैं तीनों ही बर्नर स्टार्ट हैं, और इनकी फ्लेम को आप काफ़ी ज़्यादा कम और ज़्यादा कर सकते हैं सिंपली इनकी नोब को रोटेट करके। जो सेकंड वाला है आपका लेफ्ट वाला आपका बर्नर, राइट वाला आपका बर्नर का है, लेफ्ट वाला आपके माचिस बॉक्स को अगर आप यूज़ नहीं कर सकते। और आप देख सकते हैं ये शेल्फ के साथ है, और इसकी डायमेंशन की बात मैं थोड़ी देर बाद करूँगा कि इसकी क्या डायमेंशन है। और ये जो 3 रेंज कमर्शियल गैस बर्नर है, ये आपका रेस्टोरेंट में यूज़ होता है, या फिर आपके होटल्स हो गए, या स्वीट जो आपकी जिस स्वीट्स की शॉप होती है, जहाँ पर वो चाउमिन या काफ़ी सारे अपना फूड स्टफ, या ढाबा होता है जो आपका, और कॉन्टिनेंटल जहाँ फूड बनता है, रेस्टोरेंट, मोटल्स, उन सभी प्लेसेस में ये आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। और आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, जैसे आपको सेंटर में चाइनीज़ चाहिए या लेफ़्ट में चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और 3 रेंज भी आप अगर इंडियन चाहते हैं तो आप तीनों रेंज इंडियन बर्नर में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं स्टेनलेस स्टील मटेरियल पे बना हुआ है। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दोनों ही नोब्स को क्लोज कर दिया है, तो आप सिंपली एक बार यूज़ कर सकते हैं इसे। और यहाँ पर मैंने इसे एलपीजी सिलेंडर से ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एके सर्विस एंड फूड इक्विपमेंट चैनल को। और आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो सेक्शंस में आके गैस पिज्ज़ा ओवन की इंस्टॉलेशन किस तरीके से की जाती है, काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स की वीडियो मेंशन है कि आप उन्हें किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो इसकी डायमेंशन, आप देख सकते हैं सभी के जो कंट्रोल पैनल है बर्नर को कंट्रोल करने के लिए, आप देख सकते हैं दो आपके पास नोब्स हैं। और इसकी अब शेल्फ की बात करते हैं, जो इसकी शेल्फ की विड्थ है वो 17.5 इंचज़ में आप देख सकते हैं, 17.5 विड्थ इसकी। और जो इसकी लेंथ है वो आपकी 5 फीट है, यानी 60 इंचज़। अगर आपको इसकी लेंथ में कस्टमाइजेशन चाहिए तो आप कस्टमाइजेशन भी करा सकते हैं। तो आपकी डायमेंशन कंफर्म हो चुकी है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा 6 इंचज़ है यहाँ पर आपका टॉप के ऊपर। और इसकी जो विड्थ है वो 24 इंचज़ है, तो आपका जो बर्नर है वो 5x2 का बर्नर है, 5 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा है, 24 इंचज़। और यहाँ पर आप कुछ मॉडल्स की वीडियो फोटो इमेजेस देख सकते हैं बर्नर की, यहाँ पर मैंने 3 इमेजेस अपलोड की हुई हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है
तो आप कॉल कर सकते हैं 9891709656 पर या 9717463679 पर, और आप हमें सर्च कर सकते हैं एके सर्विस एंड फूड इक्विपमेंट के नाम से गूगल पर या यूट्यूब पे, और मेल कर सकते हैं info@akfoodequipments.com पर, और कॉल कर सकते हैं 9717463679 9891709656 पर, या विजिट कर सकते हैं www.akfoodequipments.com पर। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या आपका कोई भी सुझाव है वो भी आप हमें अपना कमेंट करके बता सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।